कुछ इलाकों का मैंने दौरा किया, वहाँ पे हमारे जो लोग यहाँ पे मिले हमसे, रूरल डेवलपमेंट में जो स्टाफ है, नरेगा से जो हमारे लोग थी उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, आज वो हड़ताल पे हैं। सारा जो डिपार्टमेंट वो ठप हो चुका है। जो एमजी नरेगा की जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है, यानी कि जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट इस सेक्टर में होती है, तो इनका बड़ा एक अहम रोल होता है, जिसमें हमारा मजदूर, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे वो किसी नहर का काम हो, या 14FC जितने भी जो काम है इस महकमे को सौंपे गए हैं, तो हमारे जो ये मनरेगा जो स्टाफ है, तो इनका एक अहम रोल है यहाँ। तो मैंने क्या देखा कि आज ये लोग बेचारे सड़क पे आए हैं। तो ये किस लिए सड़कों पे आए कि सरकार ने इनके साथ वादा ये किया है कि हम आपको जो इसी महकमे में हम जम करेंगे, और सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था, तो मेरे ख्याल में एक बंदा 10 BDO का काम निभाता है। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, यूथ ही इस वक्त इस जगह पे अपना काम निभा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल जो सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए, उनको बाकायदा इनको नौकरी फराहम होनी चाहिए, और हमारे कश्मीर में मेरे ख्याल में इन चीज़ों से अमन की बहारें लौट आएंगी।